हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे TCPL पैकेजिंग लिमिटेड के बारे में। तो पहले जानेंगे ये शेयर आपका फंडामेंटली कैसा कंपनी है, उसके बाद देखेंगे इस शेयर का टेक्निकल चार्ट कैसा है, उसके बाद इसका टारगेट क्या हो सकता है वो जानेंगे। तो पूरा आप डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, फ्राइडे के दिन ये शेयर आपका हाई गया था 933.70, लो गया था 810.80 एंड फ्राइडे के दिन ही शेयर ने आपका रिटर्न दिया 15.77% का एंड उस दिन शेयर आपका क्लोज हुआ था 912.05 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹829.97 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹1159.01 करोड़ एंड पीई रेशियो है 16.85। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹335.17 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 1.11, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 2.70। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹54.13, रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.84% एंड ROCE है 13.40%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। ये जो कंपनी है TCPL पैकेजिंग, इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 55.74%, पब्लिक का होल्डिंग है 38.12%, DII का होल्डिंग है 5.73% एंड FII का होल्डिंग है 0.42%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है, जो कि एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 55.74% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, प्लेसिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका लास्ट 5 क्वार्टर का क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिया, और इसका जो भी आपका फिगर है पूरा आपका करोड़ में ही है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नेट सेल्स देख लेंगे। ओके, तो देखिए, लास्ट क्वार्टर में मतलब आपका मार्च 2022 का क्वार्टर में नेट सेल्स हुआ है 322.85 करोड़, जो कि इसका जो पिछला आपका 4 क्वार्टर का नेट सेल्स है उसके मुकाबले ज्यादा है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में हुआ है 48.43 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका 4 क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। अगर हम लोग आपका नेट प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे तो देखिए, नेट प्रॉफिट भी आपका लास्ट क्वार्टर में हुआ है 18.52 करोड़, ये भी इसका जो पिछला आपका लास्ट 4 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है उसके मुकाबले ज्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो मार्च 2022 का जो Q4 का रिजल्ट निकला है वो आपका बहुत ही अच्छा निकला है। और एक चीज देखिए, इस कंपनी में मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर अनिल कुमार गोयल सर ने आपका 87.01 करोड़ का होल्डिंग करके रखा हुआ है मार्च 2022 तक जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से, जो कि एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये कंपनी आपका हर एक साल अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। एक साल में इस कंपनी ने रिटर्न दिया है 85.73% का, जो कि मेरे हिसाब से एक साल के लिए एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे पे मतलब आपका फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड इस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी आपका अबव 60 और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। पहला चीज देखिए, लास्ट वीक पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई एंड इसी कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है।
पूरा चार्ट अगर यहाँ से देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली एक आपका अपट्रेंड दिखेगा। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी अभी ये शेयर आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI भी अबव 60 है, MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन किया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे ये आपका था 2020 अगस्त का महीना, यहाँ पे एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था। तब से देखिए लगातार ये शेयर आपका ऊपर की तरफ भाग रहा है और अभी जो करंट महीना चल रहा है यहाँ पे भी हम लोगों को आपका पॉजिटिव कैंडल ही फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए आपका अबव 60 है और MACD भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब डेली वीकली मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो मेरे हिसाब से अभी जो शेयर का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग आपका 912, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 3 से 4 महीने का भी है तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये शेयर आपका 1100 से 1200 का टारगेट जो है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटल कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।